आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। झारखंड इन दिनों पंचायत चुनाव के कारण काफी चर्चाओं में है। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड क्षेत्र के केडला उत्तरी से पंचायत प्रत्याशी के पद के लिए सतीश कुमार भी दावेदारी दिखा रहे हैं। वह इन दिनों मैदान में नजर आ रहे हैं और सीधा जनता से संपर्क साध रहे हैं। हालांकि 2015 में उन्होंने एक बार पहले भी कोशिश की थी कि वे जनता के बीच अपनी जगह बना पाए, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी उन्होंने जनता की सेवा करना नहीं छोड़ा। वह एक लोकप्रिय समाज सेवी है, तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि वे किस तरह से जनता की सेवा करना चाहते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि सतीश कुमार सिंह 1997 से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सतीश कुमार सिंह 2015 में पहली बार पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़े और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हार जाने के बावजूद भी उन्होंने जनता का साथ नहीं छोड़ा और पंचायत की हमेशा सेवा करते रहे। सतीश कुमार सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में बताया कि केडला उत्तरी पंचायत में अब तक जो मुखिया बनकर सेवा दे रहा है, उन्होंने जो भी विकास कार्य किया है वो अभी भी अधूरा है। जिस तरह से विकास कार्य होना चाहिए था उस हिसाब से विकास कार्य नहीं हुआ है। सतीश कुमार सिंह ने बताया कि केडला उत्तरी पंचायत के लोगों को प्रताड़ित देखकर वे इस बार मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केडला उत्तरी पंचायत की जनता उन्हें समर्थन देती है तो वे इस बार अपने क्षेत्र का इस तरह से बेहतरीन विकास करके दिखाएंगे कि यह आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय जरूर बन जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वे सबसे पहले अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करेंगे और सरकार द्वारा सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, पंचायत में सड़क का निर्माण किया जाएगा, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दी जाएगी और सभी लोगों को साथ में लेकर पंचायत में हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। आपको बता दें कि सतीश कुमार सिंह लगातार अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करते दिखाई देते हैं। जब भी लोगों को जरूरत होती है, सतीश कुमार सिंह हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। सतीश कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे इस बार पंचायत चुनाव में उन्हें अपना समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी करें, ताकि वे अपने वादों पर खरे उतरकर पंचायत का बेहतर विकास करके दिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों झारखंड राज्य में पंचायत चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता से रूबरू होना शुरू कर दिए और अपना एक तरह से प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। आज मैं रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत केदला उत्तरी पंचायत आया हूँ। इस पंचायत में जब हम आए और यहाँ से जनता से जब हम रूबरू हुए तो यहाँ पे एक समाज सेवी जिनका नाम है सतीश कुमार सिंह, इनके बारे में पता चला। सतीश कुमार सिंह लगातार कई वर्षों से अपने क्षेत्र में अपने पंचायत में जनता का सेवा करते आ रहे हैं। इस बार ये इस पंचायत से मुखिया का प्रत्याशी बने हैं। आज हम इनके पास आए और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये अपने पंचायत से मुखिया का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। अगर यहाँ की जनता इनको अपना बहुमूल्य वोट देके मुखिया में चुनाव जिताती है तो अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का काम करेंगे। सतीश जी, सबसे पहले आदर्श वाला टीवी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप इस बार अपने पंचायत से मुखिया का प्रत्याशी बने हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार मैं पहली बार लड़ रहा हूँ जी। इससे पीछे मुझे पत्नी लड़ी थी और मैं इस बार मैं खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र के जी जो भी जन समस्या जी वो मैं पूरा करूँगा। यहाँ तक कि बहुत लोगों की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नली गली, शिक्षा, बहुत समस्या है। इन सारी समस्या का समाधान करूँगा और इस पंचायत को मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा जो मांडू प्रखंड में सबसे पहले नाम जाना जाए। आप जब क्षेत्र में जाते हैं, जनता से जब रूबरू हो रहे हैं, तो किन किन समस्याओं को का जिक्र लोग करते हैं आपके पास? खासकर हमारे क्षेत्र में कुछ है कि टाटा कंपनी के एरिया है जी, कुछ है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र आता है जी। जो ग्रामीण क्षेत्र में काफी समस्या है, सबसे पहली है कि बहुत ऐसे है जो अभी तक विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि ऐसे युद्ध स्तर पर काम करूंगा, कैंप लगा के सबसे पहले प्राथमिकता उन लोगों पर दूंगा जो निम्न है, आज तक कोई किसी प्रकार योजना का लाभ नहीं ले सके हैं, उनको पहले लाभ दिलाऊंगा। अगर क्षेत्र की जनता आपको आपके ऊपर विश्वास करके आपको मुखिया बनाती है तो आप किस तरीके से पंचायत का विकास करेंगे? मैं अगर जनता मुझे जिताती है तो मैं अपने आप को एक समझो समझिए कि
एक सेवक के रूप में काम करूंगा, मुखिया के रूप में नहीं काम करूंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों क्षेत्र वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव में हम आग्रह करेंगे कि एक बार हमको सिर्फ मौका दीजिए, उसके बाद एक जनता को सेवक के रूप में काम करूंगा।